कोई भी इंसान नशेड़ी यानी कि नशे का शिकार कैसे हो जाता है, ये जानने के लिए साइंटिस्टों ने 1969 में मासूम जानवरों पर एक अनइथिकल एक्सपेरिमेंट किया और उनकी इस एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट के तौर पर बड़ी संख्या में बंदर थे। साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि क्या कोई बंदर हम इंसानों की तरह ही नशे का शिकार हो सकता है, और अगर हो भी गया तो इसके साइड इफ़ेक्ट बंदर के बॉडीज़ पर क्या पड़ेंगे। पहले तो साइंटिस्टों ने बंदरों को कुकिंग मॉर्फिन और एम्फीफेटामिन, जो कि एक बहुत ही खतरनाक ड्रग्स होती है, इन सबसे बंदरों के बॉडीज़ में इंजेक्शन के थ्रू वो इंजेक्ट किया और उनके बिहेवियर्स को नोटिस किया। और कुछ ही दिनों बाद बहुत ही जल्द मंकीज ड्रग्स के आदि हो गए और वो इंजेक्शन लगाने की बजाय बहुत ही ज़्यादा इंजेक्शन को मांगना शुरू कर दिए। और फिर साइंटिस्टों ने इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्विस्ट लाई। वैज्ञानिकों ने बंदरों को नशीली दवाओं को खुद से इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करना सिखाया और बंदरों को बड़ी मात्रा में दवाइयाँ दी गई, और कुछ ही दिनों बाद बंदरों पर दवाइयों का प्रभाव दिखना शुरू हो गया। वह इन दवाओं के इफेक्ट से अधिक गुस्सैले हो गए और वहाँ पर मौजूद लोगों पर अटैक करने लगे, और कुछ बंदरों ने तो भागने की कोशिश भी की, यहाँ तक कि उन्होंने भागने की कोशिश में अपनी हड्डियाँ तक तोड़ ली, और कुछ ने खुद को अपने ही दांतों से काटना शुरू कर दिया, और कुछ बंदरों ने खुद को काटने की सेवा नोचना बकूटना आदि कर रहे थे। देन पता है इस एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? सब के सब मासूम दिखने वाले बंदर मारे गए। और ऐसे ही ये एक्सपेरिमेंट इतिहास का एक अनइथिकल एक्सपेरिमेंट बना।